हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है जी? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी। और ब्लॉग में आज घर का कुछ नहीं है, घरेलू काम वाम कुछ भी नहीं है। आज बस मुझे दो चीज़ों की, दो बातें क्लियर करनी है और आप लोगों से, मतलब जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं ना, उनको नहीं पता इन सब चीज़ों का, इसलिए वो मुझसे बार बार पूछते हैं। मेरी पुरानी वीडियो तो कोई जाकर देखेगा नहीं, इसलिए मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो ना YouTube पे कमेंट्स नहीं करते। वो पता नहीं उनकी आईडी की वजह से नहीं करते कि उनको उनकी आईडी किसी को पता ना चले, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है। मुझे कोई फ़र्क, मतलब मुझे कोई उस चीज़ से दिक्कत नहीं है। और वो मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं। तो कुछ बातें मुझे क्लियर करनी थी। उन्होंने कहा कि मुझे, हमें ना इन चीज़ों का आंसर दें आप। तो मैंने कहा चलो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँगी, तो वीडियो के थ्रू आप सब, आपको पता चल जाएगा। और भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं जो कुछ जानना चाहते हैं, इसलिए मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो पहली बात तो ये, मुझे सब कहते हैं कि आप लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, तो उस बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे कोई कॉपी कर रहा है तो दैट मीन्स मैं, आई एम ऑन द राइट वे, आई एम ऑन द राइट ट्रैक, दैट्स वाई पीपल आर यूज टू कॉपिंग मी, है ना। तो लोग जो है वो मुझे कॉपी इसलिए कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है मैं भी किसी को कॉपी करती हूँ, मुझे किसी की आदत या किसी की चीज़ अच्छी लगे तो मैं उसको कॉपी करना चाहूँगी, है कि नहीं। हर कोई किसी ना किसी को कॉपी यहाँ पे करता है, तो अगर मेरे को कोई कॉपी कर रहा है तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स रियली गुड कि कोई मुझे कॉपी कर रहा है, मतलब मैं इस लायक हूँ या मैं इतना अच्छा कुछ कर रही हूँ जो कॉपी करने के लायक है। और कुछ कहते हैं कि हम आपकी रेसिपीज़ कॉपी करते हैं, तो रेसिपीज़ कॉपी करने के लिए ही होती हैं। अगर मैं कुछ बना रही हूँ तो उसको देखकर आपको भी मन हो जाता है बनाने का, और उसको आप बना के अपने घर वालों को खिला रहे हैं कि आप सोचेंगे, आप मतलब बोलेंगे कि ये रेसिपी मैंने कहीं देखी थी। तो उसको हम कॉपी एक पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। और जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया, उन्होंने कहा कि, उन्होंने नाम लेकर बताया कि वो आपकी कॉपी कर रहा है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो मेरी चीज़ें या मेरी बातें लेकर जो मैं ब्लॉग में बोलती हूँ वो आगे अपने लाइफ में कर रहे हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये बार बार चीज़ क्लियर कर दूँ कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड थिंग ये है, बहुत से लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि लोग आपकी बहुत बातें करते हैं, आपके ब्लॉग्स जो हैं बीच में अच्छे होते हैं बीच में नहीं होते, और बहुत सारे लोग आपकी बातें करते हैं कि आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ़र्क पड़ता था, स्टार्टिंग में बहुत फ़र्क पड़ता था, बहुत ज़्यादा मैंने मतलब सुना है। लोग अभी भी बातें करते हैं, मुझे पता है कौन करता है कौन नहीं करता है। और दूसरी बात यह है कि करते वही हैं जो अपने होते हैं, मतलब जो हमें पर्सनली जानते हैं। बाहर के लोग हमारी बातें नहीं करेंगे, जिनसे हमारा दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होगा, बस वो हमें यूट्यूब पे ही देखते हैं, तो वो हमारी बातें नहीं कर सकते। बातें हमारे अपने ही लोग करते हैं और कोई नहीं करेगा बाहर से। तो जो लोग मेरी बातें करते थे ना शुरू शुरू में, मैं बहुत सोचती थी उस बारे में कि मैं गलत तो नहीं कर रही, लेकिन बातें फिर भी हो रही हैं, तो उन बातों को मैं कैसे लूँ। पहले तो मैं नेगेटिव साइड चली गई थी कि मैं अभी यूट्यूब पे ये छोड़ दूँगी, मैं नहीं वीडियोस बनाऊँगी बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम बना सकती हो, बस एक लिमिट है वो रखना, उसको क्रॉस कभी मत करना। जो लिमिट मुझे दी गई है कि इस तरह से वीडियोस बनानी है, ऐसी बनानी है, और किसी को एक्सपोज नहीं करना है। अगर आपको पता भी है उस बारे में तो आपने एक्सपोज नहीं करना है, कुछ इस तरह से मुझे बताया गया। मेरे हस्बैंड ने मेरे आगे कंडीशंस रख दी, तो वो कंडीशंस मुझे इतनी टफ नहीं लगी, इतना मुश्किल कुछ नहीं लगा मुझे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बना लेती हूँ वीडियोस अगर ये परमिशन दे रहे हैं। तो जो कुछ लोग कहते हैं कि आपको परमिशन मिली कैसे, आपके हस्बैंड कैसे मान गए, तो मैं कुछ गलत नहीं कर रही, ये बात मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ यूट्यूब पे कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही। मैं बस अपना लाइफस्टाइल, सिंपल सा लाइफस्टाइल है मेरा, बहुत सिंपल से, मतलब सिंपल तरीके से हम रहते हैं, बहुत सिंपल हम खाना खाते हैं, बहुत सिंपल हम कपड़े पहनते हैं।
तो ये हमारा लाइफस्टाइल है, ये बस मैं वीडियोस बनाती हूँ और यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ, और इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होनी चाहिए। दिक्कत उन्हीं को होगी जो कहते हैं ना, जो बस कोई ना कोई पॉइंट निकाल के उछालना चाहते हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया, ये क्यों कर रही है, ये ऐसा क्यों कर रही है। तो दिक्कत उन लोगों को होती है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं होती। तो जिन जिनको दिक्कत हुई थी ना, मैंने उनको ऑनलाइन रिप्लाई दे दिया था, फिर तो खैर चुप हो गए थे, आपस में एक दूसरे से डिस्कस करने लगे थे कि हमने तो नहीं बोला। लेकिन मुझे पता है आप बोलते हो और मुंह के सामने आप बहुत अच्छे बन जाते हो। मतलब जब मैं आपको सामने दिखती हूँ ना, अस्मा अच्छा अच्छा वीडियोज़ बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छे ब्लॉग्स होते हैं, हम देखते हैं ये वो, मतलब ऐसा नहीं ना रखो, ठीक है आप मेरी बातें करते हो। मैंने आपको कभी सामने नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला मैंने। मुझे पता है कौन कौन करता है। इवन कुछ ऐसी आईडीज़ बना के मुझे कमेंट्स आए, और मुझे मेरे हस्बैंड ने भी बहुत हेल्प की उन आईडीज़ के थ्रू। वो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि मैंने वो आईडीज़ कैसे सर्च की कि ये किसने बनाई है। ये मेरे मेरे हस्बैंड के और मेरी भी एक फ्रेंड है जो आईटी से बिलोंग करती है, हाँ, और उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो खैर बहुत टफ काम था, लेकिन मैंने एक दो फाइंड की, लेकिन फिर मुझे पता चला अपने ही हैं, तो दैट्स, मैंने कहा दैट्स इट, कि छोड़ो यार, लीव इट, मैंने छोड़ दिया। मैंने उस पर ज़्यादा फर्दर कोई उस पर मैंने कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं की, मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करती। तो इसलिए अगर लोग मेरी बातें कर रहे हैं ना, तो मैं उनको कहती हूँ आप खुले दिल से मेरी बातें करें, क्योंकि जब मैं गलत करूँगी तो भी अगर मैं गलत करूँगी तो आपकी बातों को ना मेरी लाइफ पे इम्पैक्ट होगा, ये मेरी लाइफ पे असर पड़ेगा। और अगर मैं सही कर रही हूँ तो मेरी लाइफ पे आपकी बातों का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या रास्ता लेना चाहिए, वो मुझे पता है। तो मैं गलत नहीं कर रही, मैं बहुत सारी वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही, और आपका मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रही। यहाँ पे मैं बस अपना काम कर रही हूँ, और जो मुझे अच्छा लगता है मैं फ्री टाइम में अपनी वीडियोस बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ, यही मेरा काम है। और ये मेरी दो चीज़ें आज आप लोगों को क्लियर करनी थी। मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे। अब यूट्यूब स्टूडियो जो है वो मेरा है ना, मेरे चैनल का यूट्यूब स्टूडियो मेरा है, तो उसको मैं मेरे YouTube चैनल का स्टूडियो मेरे पास है। मुझे पता है पुरानी वीडियोस पे कमेंट आ रहे हैं, नई वीडियो पे आ रहे हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं कितने नहीं, मैं डेली के कमेंट्स देखती हूँ। हर दिन मुझे ये सवाल होता है कि आप आपके लिए लोग ऐसे कर रहे हैं, आपके लिए लोग बात कर रहे हैं, आपको लोग कॉपी कर रहे हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई कॉपी करे कोई मेरी बात करे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पता है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। तो इसलिए आप लोगों को जितनी बातें करनी आप कर सकते हैं, आपको मुझे कॉपी करना है उससे तो मुझे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बात कर रहा है। देखो अगर मैं गलत कर रही हूँ ना, अगर मैं लिमिट्स को क्रॉस कर रही हूँ, मुझे पता है मेरी लिमिट्स, अगर मैं उनको क्रॉस कर रही हूँ ना, तो मैं बोलूँगी कि हाँ भाई ऐसा नहीं, ऐसा कर दिया मैंने, ये गलत हो गया, ये गलत नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए बाकी सिंपल लाइफ है मेरी, बहुत सिंपल। मैं ज़्यादा शो ऑफ नहीं करती, ज़्यादा शोशे नहीं मारती, शोशे इन द सेंस जो लोग शो ऑफ करते हैं असल में वो होते नहीं हैं वैसे, लेकिन शो ऑफ उन्होंने करना है कि बस हम बड़े बड़े हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, ये है वो है, असल में वो वैसे होते नहीं हैं। वो क्या कहते हैं उनकी, आर्टिफिशियल होते हैं ना। तो जो लोग फेक और आर्टिफिशियल होते हैं ना, वो दुनिया के सामने लोगों को भी फेक और आर्टिफिशियल बन के ही आते हैं। रियलिटी उनकी, वो ना खुद को दिखाना चाहते हैं कि हम रियलिटी में क्या हैं, और ना ही दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि रियल फेस हमारा क्या है। तो इसलिए कोई बात नहीं, जो कॉपी करता है तो वो आप करिए, ये पॉजिटिव वे में मैं कह रही हूँ, आप करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और बातें करनी है तो वो भी मैं आपको पॉजिटिवली कह रही हूँ, मुझे आपकी बातों से कोई असर नहीं होगा, ठीक है जी। तो आई होप कि मैंने ये दो बातें आप लोगों को क्लियर करी है। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो अब पुरानी वीडियोस पे जाके नहीं लॉगिन करेंगे, मतलब वीडियो नहीं देखेंगे, क्लिक नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं। तो मैंने इसलिए दोबारा से ये वीडियो बनाई, ऑलरेडी मेरे चैनल पे इन चीज़ों पे, इन टॉपिक्स पे ना ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। तो मैंने कहा वहाँ जाके कोई देखेगा नहीं, दैट्स वाई मैंने यही सोचा कि मैं वीडियो बना लूँ। तो खैर आज का ब्लॉग था यही,
क्या बोलते हैं कमेंट क्लियरेंस था कि सॉरी कमेंट क्लियर करने थे, तो इसलिए आज की वीडियो में कुछ खास नहीं दिखाया, बस दो चीज़ें मैंने आपके साथ क्लियर कर दी। आई होप आपको अच्छा लगा हो और आपके जो सवाल हैं वो क्लियर हो गए हो। तो मिलती हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।